दूसरी तरफ अब रुख करेंगे मायावती का, जो पत्रकार वार्ता संबोधित कर रही है। 12 बज गए। नहीं, वो 12 बजे की प्रेस थी ना, इसलिए मुझे पूछा। मीडिया बंद हो, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेषकर उत्तर प्रदेश में जल्दी ही होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर, खासकर यहां बीजेपी द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ में आए दिन किस्म किस्म के इस्तेमाल किए जा रहे इनके षड्यंत्रों व हथकंडों से प्रदेश की जनता को व विशेषकर यहां मुस्लिम समाज के लोगों को सजग व सचेत करने के लिए ही बुलाई गई, ताकि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस चुनाव में अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। और इस संदर्भ में यहां मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इनके इस आधे शासन काल की अवधि में इन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अभी तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिसकी खास वजह से ही अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता में इस पार्टी के प्रति जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, और इससे इनको इस बात का काफी हद तक ये एहसास भी हो चुका है कि अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कतई भी सफलता मिलने वाली नहीं, जबकि इन्होंने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए सबसे पहले यहां विरोधी पार्टियों के कुछ बिकाऊ माल व स्वार्थी किस्म के लोगों को तोड़कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया, और उसे फिर मीडिया में भी खूब प्रचारित कराया गया। इसके बाद इन्होंने किस्म किस्म के अनेकों और घिनौने हथकंडों का इस्तेमाल करके, और फिर अंत में अपनी परिवर्तन यात्रा व रैली आदि के जरिए भी अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए यहां पूरी पूरी ताकत लगाई, जिस पर इन्होंने अपने चोर दरवाजे के पीछे से बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का करोड़ों अरबों रुपया भी पानी की तरह बहाया है। इसके साथ साथ इसी दौरान खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वे इनकी सरकार के अधिकांश केंद्रीय मंत्रियों ने भी यहां प्रदेश में सपा सरकार के मुखिया की तरह ही काफी बेहिसाब शिलान्यास व घोषणा आदि करने की भी पूरी बाल लगा दी। साथ ही अपनी विरोधी पार्टियों में से खासकर बीएसपी के सर्वोच्च नेतृत्व के विरोध तो इन्होंने अपनी अनाप शनाप बयानबाजी करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इनके द्वारा इन सब हथकंडों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी इनको यहां अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में अधिकांश हताशा व निराशा ही मिली। इसके बाद फिर इन्होंने थक हार कर
उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता का अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से ध्यान बांटने के लिए पिछले महीने 8 नवंबर को यहाँ काले धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में बिना पूरी तैयारी के व जल्दबाजी में ही नोटबंदी का ये ऐसा अपरिपक्व फैसला ले लिया जो उल्टा ही अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया है और जिसके जबरदस्त मार से अब पूरे देश के लगभग 90% गरीब मजदूर किसान व अन्य मेहनत कश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे जबकि इनके अब 50 दिन भी लगभग पूरे होने वाले हैं। लेकिन इसकी सजा यहाँ उत्तर प्रदेश के भी ये दुखी व पीड़ित लोग इनको इस चुनाव में जरूर देंगे, ऐसा हमारी पार्टी का व आम लोगों का भी ये यहाँ मानना है। जिसे भागकर ही फिर इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी की अकेले ही सरकार बनने के अंदेशे को देखते हुए ही इसे रोकने हेतु हमारी पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के आधार पर पावर में इनको लग रहा था आ रही है तो हमारी पार्टी को इससे रोकने हेतु प्रदेश में खासकर मुस्लिम समाज के वोटों को बांटने के लिए सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव वे इनके पूरे परिवार की विशेषकर आय से अधिक संपत्ति होने तथा इनकी अन्य और कमजोरियों को भी ध्यान में रखकर इन्हें अपनी केंद्र सरकार के इनकम टैक्स ईडी व सीबीआई आदि का डर दिखाकर इन पर यह दबाव बनाने की भी काफी आम चर्चा है कि सपा ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़े, ये आम चर्चा है जिसकी वजह से ही आजकल सपा व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन होने की खबरें आए दिन अब मीडिया में आने लगी। लेकिन फिर भी यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों पार्टियों के अर्थात सपा व कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इनके गठबंधन करने की मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके सामने रख रही हूँ, बिहार का तजुर्बा आप लोगों के सामने है। लेकिन फिर भी यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों पार्टियों के अर्थात सपा व कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इनके गठबंधन करने की अंतिम मोहर बीजेपी के कहने पर तभी यहाँ लगने वाली है जब बीजेपी को ये लगेगा कि सपा व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन करके चुनाव लड़ने से यहाँ बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है, तब फिर ये लोग अपना ग्रीन सिग्नल यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए देने वाले हैं। अर्थात इस चुनाव में सपा व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बीजेपी के इशारे पर ही इनके अपने खुद के नफे नुकसान को ही ध्यान में रखकर तब फिर होने वाला है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इस चुनाव में अपना वोट बहुत ही सोच समझकर केवल ऐसी पार्टी को ही देना है जो अपनी पूरी ईमानदारी से इनके हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान रख सके और इस मामले में इनकी एकमात्र ईमानदार व हितेशी पार्टी यहाँ केवल बहुजन समाज पार्टी ही है जिसने अपने हर शासनकाल में समाज के सभी वर्गों की तरह इनके भी अर्थात मुस्लिम समाज के भी जान माल
वे मजहब की विकट परिस्थितियों में भी पूरी पूरी सुरक्षा करने के साथ साथ इनके विकास में उत्थान के लिए भी अनेकों जरूरी बुनियादी व ठोस कदम उठाए हैं, जो पूर्व की वे वर्तमान सपा सरकार में भी नहीं उठाए गए हैं, जिसका संक्षेप में वर्णन बीएसपी की सरकार के समय में जारी की गई एक सरकारी पुस्तक में भी किया गया है, जिसे खासकर अपनी पार्टी के कुछ लोगों से प्राप्त करके, क्योंकि अब सरकार तो हमारी है नहीं, तो जिन लोगों के पास ये किताबें थी उनसे इकट्ठा किया गया, तो जिसे खासकर अपनी पार्टी के कुछ लोगों से प्राप्त करके उसकी एक प्रति आज मेरे आने से पहले ही आप लोगों को भी दे दी गई है, इसकी जो प्रति है, और इससे पहले ये किताब जारी की गई थी ये पार्टी की ओर से, ताकि इस मामले में मीडिया को भी सही तथ्यों की जानकारी मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं सपा के बीजेपी के साथ शुरू से ही चल रहे मधुर संबंधों का तथा इनके खासकर मुस्लिम समाज के प्रति अब तक जो भी दोगली सोच व कार्यशैली आदि रही है, तो उनमें से कुछ जरूरी बातों का यह उल्लेख करते हुए प्रदेश के इस समुदाय के लोगों को सावधानी के तौर पर ये कहना चाहूंगी कि वैसे तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की पहचान यहाँ गुंडों, बदमाशों, अराजक वे आपराधिक एवं भ्रष्ट तत्वों को हर जगह वे हर स्तर पर काफी ज्यादा संरक्षण देने वाली पार्टी के रूप में ही जानी जाती है, परंतु इसके साथ साथ इस पार्टी का सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि के मामले में भी रिकॉर्ड अब तक का काफी ज्यादा खराब रहा है, जिस कारण ही यहाँ इस पार्टी के शासनकाल में हमेशा ही कानून का नहीं बल्कि अराजक व जंगल राज ही रहता है, जंगल राज ही कायम रहता है। और इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में एक तरफ जहाँ कांग्रेस पार्टी वे भाजपा के शासनकाल में भी यहाँ हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों के कारण बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम अर्थात इन दोनों ही धर्म के मानने वाले लोगों के जान माल की काफी हानि होती रही है, किंतु वहीं दूसरी तरफ सपा के शासनकाल में चाहे वह श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो या फिर वर्तमान में उनके पुत्र की सरकार चल रही हो, तो इन दोनों समय में ही यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की आग में जलते रहे, झुलसते रहे, और इनसे काफी ज्यादा नुकसान केवल यहाँ गरीब हिंदू व मुस्लिम समाज के आम लोगों का ही होता है, ना कि बड़े बड़े राजनेताओं का। उदाहरण के तौर पर जैसे श्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में खासकर भाजपा की मिली भगत से वोटों का ध्रुवीकरण व सौदा आदि करके अपने राजनीतिक व चुनावी लाभ लेने के लिए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई, ये सब आप लोगों के सामने है, जिस कारण ही फिर सन 1989 व सन 1990 के दौरान बिजनौर, अलीगढ़, कानपुर, आगरा व सबसे भीषण गोंडा के कर्नेलगंज का हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें काफी लोगों की जाने गई थी, जिसका खूनी दाग श्री मुलायम सिंह यादव के दामन पर हमेशा ही लगा हुआ रहेगा। इसी प्रकार विरासत में सत्ता प्राप्त करने वाले उनके पुत्र व उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के शासनकाल में भी अब तक बड़ी तादाद में यह सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें हो चुकी हैं, और इन सब में सबसे ज्यादा भयानक सन 2013 का मुजफ्फरनगर का सांप्रदायिक दंगा तो ऐसा है कि इसका खूनी दाग उसी प्रकार से कभी भी धोया नहीं जा सकता है
जिस प्रकार गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान सन 2002 का सांप्रदायिक दंगे का खूनी दाग लाखों कोशिशों के बावजूद भी अब तक नहीं मिटाया जा सकता है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगे में जान माल की हुई भारी क्षति के मामले में तो अपने बाप के करनैलगंज के रिकॉर्ड को भी वर्तमान मुख्यमंत्री ने तोड़ा है। इस भीषण दंगे में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग, यानी कि मुजफ्फरनगर के दंगे में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग घर से बेघर होकर इधर उधर शरणार्थी का जीवन बिताने को मजबूर हुए, जिनके कैंपों पर इस सपा सरकार ने, यानी कि वर्तमान सपा सरकार ने बुलडोजर तक भी चलवा दिया था। तो तब फिर उस समय काफी हंगामा होने पर इन पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का सपा सरकार ने वायदा किया था, किंतु इनका ये वायदा भी अभी तक खोखला व इनको गुमराह करने वाला ही साबित हुआ है। मैं समझती हूँ कि प्रदेश में ऐसे मुस्लिम या जन विरोधी सपा सरकार को कभी भी यहाँ माफ नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में यहाँ उत्तर प्रदेश में, खासकर सन 1980 में मुरादाबाद में हुए भीषण दंगे व सन 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा मलयाना दंगे के साथ साथ सन 1988 के मुजफ्फरनगर एवं सन 1989 के बदायूं के सांप्रदायिक दंगों को भी भला कौन भुला सकता है। और अब वर्तमान सपा सरकार में भी हुआ, खासकर मुजफ्फरनगर भीषण कांड व दादरी कांड आदि को भी यहाँ मुस्लिम समाज के लोग कदापि नहीं भुला सकते हैं, जिसमें पीड़ित परिवार के लोगों को अभी तक भी न्याय नहीं मिला है। और अब तो बीजेपी के दबाव में आकर सपा सरकार द्वारा दादरी कांड के पीड़ित लोगों को ही फंसाने का पूरा प्रयास चल रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के चारों शासनकाल में समाज के सभी वर्गों के साथ साथ जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के विकास व उत्थान में तथा इनकी सुरक्षा आदि में भी अति महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, तो उसकी तुलना में लगभग 10% कार्य भी वर्तमान सपा सरकार में इनके हितों में नहीं किए गए। इनके अलावा ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब भी बीएसपी की सरकार बनी है तो तब यहाँ बीजेपी कमजोर हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जब भी सपा की सरकार बनी है तो तब यहाँ बीजेपी मजबूत हुई। इससे सपा और बीजेपी के अंदरूनी मिलीभगत साफ नजर आती है, स्पष्ट होती है। और इस बात का खास उदाहरण ये है कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए सन 2009 में देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, तो तब बीजेपी के उत्तर प्रदेश से केवल 9 सांसद ही चुनकर गए थे। उस समय मेरी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद जब सन 2014 में देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए, तो उस समय यहाँ सपा की सरकार थी, तो तब इस सपा सरकार के चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 9 से बढ़कर 73 लोकसभा के सदस्य जीत कर गए हैं।